हेलो एवरीवन, मैं वसीम गुलबर्गा हेडलाइंस के इस लाइव प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जिस तरह से आप लोग लाइव थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक पोस्ट अपलोड किया था कि मौजूदा हालात पर लाइव गुफ्तगू की जाएगी जनाब नासिर हुसैन उस्ताद के साथ, तो आज मैं सबसे पहले नासिर हुसैन उस्ताद साहब का वेलकम करता हूँ गुलबर्गा हेडलाइंस के इस लाइव सेशन में। और नासिर हुसैन उस्ताद साहब, जिस तरह से आज के जो मौजूदा हालात हैं उस हालात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से 40 दिन से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन लगाकर पूरे मुल्क में, उसके बाद से जो लोगों की जो हालात है, माशी हालात जो कमज़ोर है लोगों की, क्या कहना चाहेंगे उसमें? ये कोरोना एक ग्लोबल बीमारी की तरह निकली है और हिंदुस्तान में तकरीबन 50 दिन हुए हैं कोरोना की इस लड़ाई के अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा धक्का हमारे इस इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ा है, हमारे ज़िंदगियों पे भी पड़ा है। हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के हमें इस बीमारी को, इस वायरस के खिलाफ हमें जीत पाना है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और हुकूमत के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करके हम इसमें कामयाबी पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज, और ऐसे वक्त में जबकि रमज़ान का मुबारक महीना भी हमारे सामने है, आज हालात बहुत ही संजीदा हैं, बहुत ही तकलीफ़देह हैं, क्योंकि हमारे मस्जिदें आबाद नहीं हैं, मस्जिदों के अंदर बाजमात हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते रमज़ान के इस मुबारक महीने के अंदर। तरावी का एहतमाम जो है मकानों में ही हो रहा है, ये बहुत ही ये है, मगर हम तमाम इस चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ना है और उम्मीद करना है कि हमारी इस लड़ाई कोरोना के ख़िलाफ़ की इस लड़ाई के अंदर हमको कामयाब। सब जिस तरह से आप जानते हैं गुलबर्गा शहर के जो हालात हैं, अनकरीब 60 के करीब पॉजिटिव केसेस गुलबर्गा शहर में पाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर गुलबर्गा नॉर्थ में केसेस देखने को मिल रहे हैं। रेड जोन भी गुलबर्गा शहर को बनाया गया था, उसके बाद हाल ही में ऑरेंज जोन इसको कर दिया गया है। गुलबर्गा शहर के लिए ख़ासकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी अफसोस की बात है कि गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं। पहली हिंदुस्तान में मौत भी गुलबर्गा नॉर्थ के में ही हुई, उसके बाद से कंटिन्यूस ये प्रोसेस मुसलसिल चल रहा है और आए दिन 5 केस 10 केस गुलबर्गा नॉर्थ से ही निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सावधानी लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात लेने की ज़रूरत है। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम लोगों ने हर चैनल पर अपील की है कि आप क्वारंटाइन रहिए, अपने आप को आइसोलेटेड रखिए और इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ाई के अंदर मदद कीजिए, मगर उसके बावजूद कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं समझता हूँ कि मोर देन 80% ऑफ द पेशेंट्स गुलबर्गा नॉर्थ से ही आ रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। गुलबर्गा नॉर्थ को रेड जोन जो बनाया गया था, मैं समझता हूँ कि अब उसको ऑरेंज जोन के अंदर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को कन्वर्ट किया गया। मेरी इंफरादी ये ओपिनियन है कि गुलबर्गा को अभी भी रेड जोन में ही रखना चाहिए। गुलबर्गा के अंदर ये जो कोरोना वायरस है ये फैल रहा है, ये बढ़ रहा है, ये इसको ऑरेंज जोन करने से मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई के अंदर गुलबर्गा शहर की शिकस्त होगी, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ पर हम लोगों को और एक 15 दिन या 20 दिन मैं समझता हूँ कि रेड जोन पकड़ के इसको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में ही रखना मुनासिब रहेगा, ताकि इस लड़ाई के अंदर हमको कामयाबी मिले। मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला कि ऑरेंज जोन में आए, मुझे पता नहीं इसके क्या स्टैटिस्टिकल फिगर्स है, क्या उनका क्राइटेरिया है कि वो ऑरेंज जोन रेड जोन इसको ये करते हैं, मगर गुलबर्गा नॉर्थ की कंडीशन इस क्रिटिकल गुलबर्गा नॉर्थ की कंडीशन सीरियस है। यहाँ पर कोरोना वायरस आए दिन 5 पेशेंट्स 10 पेशेंट्स नए जो है हो रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए, आपके पोर्टल के ज़रिए, कि जितने गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर जो रहने वाले जितने सिटीजन्स हैं वो तमाम लोग अभी भी अपने आप को रेड जोन के अंदर हैं समझ करके अपने आप की ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लॉकडाउन के अंदर अपने घर में ही रहे, किसी से मिलना जुलना, ये तमाम चीज़ों को जो है
परहेज करना ज़रूरी है। सिर्फ जिस तरह से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोविड 19 से लड़ने की सिर्फ डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन में जो है ना एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। लेकिन क्या सिर्फ सोशल लॉकडाउन करने से इसका हल निकलेगा? क्योंकि एक तरफ कोविड 19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन तो किया गया है, लेकिन उससे जो अफेक्ट गरीब जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके ऊपर जो अफेक्ट पड़ रहा है उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसके ऊपर नज़र नहीं डाली जा रही। नहीं, ये हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी पर बहुत बढ़िया धक्का हुआ है और खुसूसी तौर पर गरीब लोगों को इस बीमारी की तरफ से बहुत बड़ी मार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मुसलसिल 50 दिन से गरीब के पास कोई जो है ज़रिया या आमदनी नहीं है, कोई उसके पास पैसा नहीं है, उसको दो की रोटी खाने के लिए वो तड़प रहा है। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसको कॉग्निजेंस में लेकर, इसको लेकर के जो मेजर्स हुकूमत की तरफ से होने चाहिए थे, हुकूमत की तरफ से BPL कार्ड होल्डर को 500 रुपये दिए गए, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मजाक गरीबों के, हिंदुस्तान के गरीबों के साथ नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने की है। यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 7,500 से 8,000 रुपये एक गरीब को BPL कार्ड के एक फैमिली के लिए देना चाहिए। अगर उतना अगर नहीं दे सकते, इकोनॉमिक आपका हालत बहुत ख़राब है, तो कम से कम 4,000 से 5,000 रुपये कम से कम एक BPL होल्डर के अकाउंट के अंदर अगर आप डालते हैं और इस लॉकडाउन को मेंटेन करते हैं तो जब वो सर्वाइव कर सकता है। कहीं ना कहीं ये हुकूमत की बहुत बहुत लापरवाही है, बहुत ही बहुत इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। 500 रुपये दे करके आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के तमाम गरीब, तमाम हिंदुस्तानी अपने अपने मकान में रहे और जो है आइसोलेटेड रहे, ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। मगर रास्ता भी कुछ अलग नहीं है। जितने लोग जिसके पास इस्तात है, पैसे हैं, वो अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों के अंदर जो गरीब हैं उनकी मदद करें, इंसानियत का मुजाहरा करें, यही मैं अपील कर सकता हूँ। उसके अलावा कोई रास्ता तो आज के दिन में नहीं है। ये बिल्कुल गवर्नमेंट के, ये सबसे बड़ी फेलियर नरेंद्र मोदी की हुकूमत की इस कोरोना के लड़ाई के अंदर सबसे बड़ी अगर फेलियर है तो ये कि वो BPL कार्ड के गरीबों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं कर पाए। और बहुत सारे गलतियां हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इमिग्रेंट्स जो वर्कर्स हैं, आज हिंदुस्तान भर में हर बड़े शहर के अंदर लोग पूरे स्टेट से आज 50 दिन हुए हैं, अब निकल रहे हैं, अब उनको मौका दिया गया। हर रेलवे स्टेशन में जाए, हो बॉम्बे हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, अभी हमारे गुलबर्गा के ही कई जो है इमिग्रेंट दूसरे शहर में लोग काम करने वाले गए, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनको यहाँ पर पहुँचने के लिए कोई ये नहीं है, वहाँ पर उनको खाने के लिए खाना नहीं है, वो चाहते हैं कि गुलबर्गा तक पहुँचें। ये तमाम चीज़ों का बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से होना चाहिए था कि तमाम चीफ मिनिस्टर्स को कंसीडर करके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके इन तमाम मसलों के ऊपर, इन तमाम इशूज़ के ऊपर एक कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए और जब जा करके लॉकडाउन को अनाउंस किया जाए। मगर अफसोस, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसको अनाउंस कर दिया, उसके बाद में इन तमाम इश्यूज़ को ले रहे हैं। मगर बहरहाल इशू बड़ा संजीदा है, बड़ा सीरियस है। इस इशू के अंदर, इस हालत से हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ करके हमें इस लड़ाई के अंदर हमको कामयाबी हासिल करनी है और हिंदुस्तान को फिर से एक मजबूत मुल्क को हम बनते हुए देखना है, इकोनॉमिकली, सोशली और हर लिहाज। बिल्कुल, जिस तरह से आपने गरीबों के अकाउंट में 5,000 से 7,500 रुपये डालने की जो बात कही है गवर्नमेंट की तरफ से, गरीब और ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो भी यही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि घर पे तो बिठाया गया है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर उनको कुछ सहूलतें मिलती हैं, कुछ मदद मिलती है तो वो उसमें कुछ गुजारा कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो अपने लेवल पे काम कर रही हैं गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, लेकिन PM केयर फंड में जो लोगों ने डोनेट किया है अपनी तरफ से, करोड़ों रुपए जमा हुए हैं, उसका कोई यूटिलाइज नहीं देखने को मिल रहा है। लोग उस पर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। PM केयर के अंदर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने वॉलंटरी फंडिंग की है, उस पैसे PM केयर के उस फंड को किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की और PMO की रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। वो एक वाइट पेपर हिंदुस्तान के अवाम के सामने उठाया।
मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिनों के अंदर वो लाएंगे। कहीं ना कहीं ये इशू सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स फंड का एक ही नहीं है, यहाँ पर हर शहर के अंदर गरीब है, हर शहर के स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप राशन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक एक गरीब को जो है 10 किलो चावल का ऐलान किया, उसके साथ गेहूँ का। इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, इस चीज़ को तेल के साथ थोड़ा सा और उसके अंदर प्रोडक्ट्स अगर देते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जेन्युइन तरीके से होता है तो बहुत आसानी हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पर कमेंट्स भी कुछ आ रहे हैं, वाइन शॉप्स को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, जिस तरह से मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया है, गुलबर्गा शहर से आप भी पहले शख्स होंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कई डिबेट्स में हिस्सा लिए हैं, तो उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, आप देख सकते हैं जो दिल्ली में जो मरकज़ है तबलीग जमात का कोरोना, वहाँ पर कुछ हज़ार लोग वहाँ पर जो मौजूद थे उनको लेकर एक प्रोपेगंडा क्रिएट किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन आज आप देख सकते हैं वाइन शॉप जो ओपन किए गए हैं पूरे मुल्क में, हर छोटे गांव में भी अगर आप देखेंगे तो हज़ारों लोग भीड़ के शक्ल में वहाँ पर जमा हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप वाइन शॉप्स आज जो भीड़ जमा हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ से फिर इंक्रीज होने के चांस है ना केसेस को? यानी आपका जो सवाल है, आपने तीन चार सवाल एक ही सवाल में पूछा है, तो मुझे नेशनल मीडिया के अंदर बहुत मौके मिले कि मैं लाइव डिबेट्स के अंदर पार्टिसिपेट करूं। अल्लाह का बहुत बहुत करम है, मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह सुभान व तआला के मुझे इश्यूज़ पे बात करने की जो है मौका मिला। यहाँ पर तबलीगी जमात का मरकज़ के ताल्लुक से बहुत टारगेटेड वे के अंदर नेशनल मीडिया, जो आप तमाम लोग जानते हैं कि इनके एक बायस्ड मीडिया है, ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम का खेल चलता रहे, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार फैलती रहे और सियासी रोटी बीजेपी सेकती रहे। ये बड़ा साफ है, एक टारगेटेड तबलीग जमात को यहाँ पर मरकज़ में किया गया। मैं आपके मीडिया के चैनल से, मैं यहाँ पर जो मरकज़ में हुआ दिल्ली के अंदर, वहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, बीजेपी के चाहने वालों से, कि जब दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात के मरकज़ पर ये मालूम पड़ा कि 1500 से लोग वहाँ पर हैं, पूरा ह्यू एंड क्राई, पूरा नेशनल मीडिया उसके अंदर कवरेज हुआ और उसके बाद में कंटिन्यूस उसका एक सिलसिला चलता रहा कि हिंदुस्तान के अंदर तबलीगी जमात की तरफ से ये जो है कोरोना वायरस फैल रहा है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, मैं एक लाइन के अंदर उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ। क्या इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वहाँ पर मरकज़ में जब तमाम लोग पाए गए उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को बगैर मेडिकल चेकअप के, बगैर क्वारंटाइन के, बगैर ये कंफर्म किए हुए कि उनमें क्वारंटाइन नहीं है, उनको हिंदुस्तान के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों भेजा गया? चेकअप करके क्यों नहीं भेज सकते थे? वो चाहते थे कि यहाँ पर एक इशू क्रिएट हो और इस कोरोना की इस लड़ाई के अंदर इसको भी कम्युनलाइज किया जाए। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर सिर्फ दो लोगों की है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की, कि जब जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए था, उनको वहीं पर इलाज करवा कर उनको रिपेयर करके हिंदुस्तान के उनके उनके शहरों को भिजवा देना चाहिए। पहले फर्स्ट स्टेप में मैं नहीं जाना चाहता, फर्स्ट स्टेप में वो जब कहीं इंतजाम करके उनको भेज सकते थे वो अलग बात, वो हो गया था। होने के बावजूद उसके बाद जो मुसलसिल जो तबलीग जमात के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जो है कोरोना वायरस के फैला रहे, ये बहुत ही अहम पहलू के ऊपर मैं आप लोगों की तवज्जो दिलवाना चाह रहा था एक चीज़। और कल हिंदुस्तान के अंदर तमाम रियासतों में वाइन शॉप्स की ओपनिंग की गई है, वाइन शॉप्स को ओपन किया गया। यहाँ पर हर वाइन शॉप पे, यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर हम देखते हैं कि आपके सोशल मीडिया के चैनल्स के ज़रिए, और हमारा भी इत्तेफाक हुआ कि हम इफ्तार के लिए निकले थे, मेरा एक रूटीन है कि भाई मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक घंटा जो है तमाम एरियाज़ में एक फिर के आता हूँ, देखता हूँ कि क्या हालत है। तो वहाँ पर
हर एक वाइन शॉप के अंदर कम से कम 500 से 800 लोग वहां पर लाइन में खड़े हुए थे बगैर सोशल डिस्टेंसिंग। और एक भी केस गुलबर्गा के अंदर टू व्हीलर्स को पकड़ने का केस नहीं हुआ, एक भी केस लाठी मारने का नहीं हुआ, कहीं पर भी ये चीज नहीं हुई। सोशल डिस्टेंसिंग की और कोरोना वायरस की इस लड़ाई के अंदर सबसे बड़ी लूप होल, ये शर्मनाक वाक्य हिंदुस्तान के अंदर हुआ है कि यहाँ पर जो नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया के अंदर जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए थी उस आवाज नहीं उठ रही, उसको फिर डाइवर्ट कर फिर राहुल गांधी वर्सेस मोदी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये जो एजेंडा है ये इसी एजेंडा के ऊपर आज भी काम चल रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी फेलियर है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की, बीएस येडियुरप्पा साहब की इस हुकूमत की कि यहाँ पर वाइन शॉप्स को ओपन किया गया, अनप्लान्ड ओपन किया गया और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई। ये मैं समझता हूँ साफ तौर पर ये सोशल मीडिया के जरिए आम आवाम ने देखा है और यहाँ पर सडन रिलैक्सेशन हुआ है। रोजदारों को इफ्तार के लिए छूट दी गई। हम गुलबर्गा के तमाम जिम्मेदारों ने पुलिस महकमे से बात की है, जिम्मेदारी दी गई कि इफ्तार के लिए छूट दी जाएगी। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसी वक्त में बहुत सारे पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग वॉलंटियर्स वहाँ पे गाड़ियाँ पकड़ रहे थे, उसके बाद में हम लोग जाकर इंटरव्यू कर बात कर उसको स्पेसिफाई किए, उसको जो है सॉल्व किए, मगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दारू को अगर लेने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल छूट है। एक रोजदार जो भूखा होता है सुबह शाम तक, वो अगर कुछ फ्रूट्स लेने जाता है तो उसको लाठी की मार खाना है, उसको पुलिस को सलाम करना है, उसको वॉलंटियर्स को समझाना है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ये सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है। मैं आपके जरिए, इस चैनल के जरिए मैं अपील करता हूँ कि ये लिकर शॉप्स को इमीडिएटली बंद करवाएं। बिल्कुल, जिस तरह से आप लिकर शॉप्स के लिए बात कर रहे हैं, कल हमने भी एक सर्वे किया था पूरे गुलबर्गा शहर में, हमने देखा जिस तरह से आम जनता पिछले 40 दिन से ज़्यादा हो गया जो कुर्बानी दे रही है उसके ऊपर पूरा पानी फेरने का काम ये वाइन शॉप्स को ओपन करके किया गया है। अफसोस की बात यह है, हमने और एक चीज़ वहाँ पर यह देखी कि पुलिस कांस्टेबल को जो वहाँ पर तैनात किया गया था वहाँ पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कराने के लिए, पुलिस कांस्टेबल खुद वाइन शॉप से दारू खरीद कर ले जाते हुए नज़र आ रहे थे। तो इस तरीके की जो लापरवाही है इस पर कहीं ना कहीं जो आम जनता जो 40 दिन से कुर्बानी दे रही है उसको कहीं बहुत तकलीफ हो रही है इस चीज़ को देखते हुए। नहीं, ये आपकी बात देखिए, हुकूमत ने जब छूट दी है तो वो पुलिस वाला भी ले सकता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी ले सकता है, आम आदमी भी ले सकता है। जब फ्रूट से अगर खुल रहे हैं तो मैं भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी ले सकता है, पुलिस भी ले सकता है। पुलिस वाला वो खरीदना कोई ये नहीं है, कई पुलिस वालों को जो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए था, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए था उसके अंदर फेलियर है। ये मुमकिन भी नहीं है, ये तरीका कार ही गलत है, इसको प्लान भी कर, क्योंकि पुलिस महकमा यहाँ पर बहुत तकलीफ से बहुत चैलेंजिंग टास्क को लेकर के 50 दिन से गुलबर्गा शहर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो दिन रात काम कर रही है, पुलिस महकमा दिन रात लगा हुआ है, मगर ये जो सडन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है इससे पुलिस डिपार्टमेंट हेल्पलेस हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो एनमास जो पब्लिक बाहर निकल के आई है शराब के लिए, शराब के दुकानों को जो आगे खड़ी हुई है, ये पुलिस वो भी कंट्रोल नहीं कर सकती। ये फार साइटेडनेस नहीं है, गवर्नमेंट के अपने खजाने को भरने के लिए शराब के दुकानों के और शराबियों के सामने कमज़ोर महसूस हो रही थी कल और आज। बड़े अफसोस होता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत शराबियों के सामने मजबूर है शराब बेच करके हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ाने का, ये बड़ा तकलीफदेह है। और जरिए हो सकते हैं हिंदुस्तान के इकोनॉमी को, हिंदुस्तान के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के और जरिए भी हो सकते हैं। आप इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए, उनको ओपन स्टार्ट करवाइए, बहुत सारे बिजनेस हैं जहाँ पर आपको रेवेन्यू आता है उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, ऐसा प्लान हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं सबसे ईजी रास्ता हुकूमत ने चुना है और इस रास्ते को जो उन्होंने चुना है ये कोरोना की लड़ाई के अंदर सबसे बुरी तकलीफ दे बात है। और कहीं ना कहीं हमको इसके तरफ से शर्मिंदा भी होना पड़ेगा और शिकस्त भी हमारी होगी और केसेस मुझे उम्मीद है ना बढ़े, कहीं ना कहीं मुझे ये अप्रिहेंशन है कि बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पर बढ़ने लगे। बिल्कुल, ये वाइन शॉप्स को ओपन जिस तरह से किया गया है इसको देखते हुए कई जो मार्केट में जो ताजिर हैं, जो क्लोथ रमज़ान में जो क्लोथ स्टोर्स वाले हैं और दीगर जो कारोबारी हैं वो लोग सवाल उठा रहे हैं, जब वाइन शॉप्स को ओपन किया जा सकता है तो हमको क्यों इस तरीके से पाबंदी लगाई जा रही है।
तो उन लोगों को भी तो छूट देनी चाहिए ना, वो लोग भी तो सवाल उठा रहे हैं। नहीं भैया, ये सवाल सिर्फ कपड़े वालों का नहीं होना है। जब वाइन शॉप्स को परमिशन दी जा रही है तो तमाम कारोबारों को भी परमिशन मिलना चाहिए। ये एक जनरल बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि 50 दिन से वो भी लॉकडाउन में है, 40 डेज ऑफिशियली, उससे पहले भी 144 लगा था, कंटिन्यूसली बिजनेस ठप हुआ है। ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है, ये सिर्फ कपड़े वालों का या होटल वालों का नहीं है, तमाम बिजनेस वालों का ये बहुत बड़ा सवाल है ये, और उनका जेन्युइन क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ पर जब वायलेट किया जा रहा है इस चीज़ को, तो उनका जरिया माश भी चालू हो जाए, उनकी भी आमदनी चालू हो जाए, ताकि वो भी जो है सुकून की सांस ले सके, उनका घर भी जो है तकलीफ से दूर हो जाए, ये इनका क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं हमको कुर्बानी देनी होगी, हमको कपड़े की दुकान वो दुकान कारोबार नहीं है, हमारी लड़ाई अभी हम अभी इनकम्प्लीट है, हम ऑरेंज जोन में हैं, ग्रीन जोन में नहीं है। मुझे तो ये मानना है कि गुलबर्गा रेड जोन में ही है। बिल्कुल, तो अभी ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी लड़ाई कामयाब होती है, अगर हमारे पास इतने पेशेंट्स नहीं आते हैं, कोरोना के इस वायरस के खिलाफ हमारी जीत होती है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्र तमाम हमारी पड़ी हुई कारोबार करने के लिए पैसे कमाएंगे। बिल्कुल, अब लाइव सेशन में जिस तरह से यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। पहला कमेंट्स ये जो नज़र आ रहा है, जलील खान साहब का एक कमेंट है, इनका यह कहना है कि जिस तरह से वाइन शॉप्स की अभी हमने बात की, तो ये कह रहे हैं कि मस्जिदों में तरावी रमज़ान में जिस तरह से अदा होते हैं, तो मस्जिदों में नमाज़ शुरू कराने के लिए कुछ बात कर रहे हैं। जिस तरह से वाइन शॉप को जब परमिशन दी जाती है, तो इनका ये कहना है मेरे हिसाब से कि नमाज़ पढ़ने के लिए ये जो सवाल, मेरा कहना है कि आज मैंने पहले ही अपनी बात में कहा कि आज बड़ी तकलीफ दे माहौल है, क्योंकि हमारे मस्जिदें आबाद नहीं हैं। मस्जिदों में वो भी रमज़ान के मुबारक महीने में हम मस्जिदों के अंदर जा कर के हमारी इबादत नहीं कर पा रहे हैं, हम तरावे नहीं पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि हिंदुओं के वो लोग भी अपने मंदिरों को नहीं जा सकते। बिल्कुल, क्रिश्चियंस अपने चर्चेस को नहीं जा पा रहे हैं, सिख भाई हमारे गुरुद्वारा को नहीं जा पा रहे हैं, तमाम रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है, तमाम चीज़ों को लॉकडाउन कर कर वाइन शॉप को ओपन करके जहाँ पर क्लियर वायलेशन हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और उसका उनका जस्टिफिकेशन सिर्फ इतना है कि इकोनॉमिकल बेनिफिट हुकूमत को होती है, ये ग्राउंड है, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि कोई ग्राउंड नहीं। जब 40-50 दिन एक शराबी बगैर शराब के रह सकता है, तो और एक 50 दिन भी रह सकता है। तो यहाँ पर मस्जिदों का के अंदर हमको परमिशन नहीं मिलना, ये नेशनल लेवल की पॉलिसी है। मैं तमाम व्यूवर्स से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान के इस मुबारक महीने के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ हमको ये है कि हमारी मस्जिदें आबाद नहीं। दुआ करें रमज़ान के इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करें कि जल्द से जल्द हमारी मस्जिदें आबाद हो जाए, हम लोग फिर से मस्जिदों में जा कर के हमारी इबादतें कर सकें। तरावे के मामला है, मकानों के अंदर हम तरावे पढ़ रहे हैं। मोहम्मद अवैध जुहान का ये सवाल है कि जिस तरह से मेडिकल स्टोर्स पे अगर हम जाए, कोई लोग अगर कुछ मेडिकल्स वहाँ पर लेने जा रहे हैं, जो मामूली से अगर पेन किलर भी अगर ख़रीदने जाएं, तो वहाँ पर डॉक्टर की रिसीप्ट मांगी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक गवर्नमेंट की और एक पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है कि पैरासीटामोल, पेन किलर, ये जो है फार्मेसी के अंदर देने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और जो है ये बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ दे रही है। उनका हुकूमत का सोचना ये है कि बहुत सारे लोग जो कोरोना के सिम्टम्स जिनके पास हैं, जो बुखार है, जिनको खांसी की तकलीफ़ है, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट जाकर के मेडिकल के अंदर दवाई ले रहे हैं, ना कि ESI हॉस्पिटल जाके अपने आप को टेस्ट करवा रहे हैं। तो इसीलिए हुकूमत ने इंतज़ाम लिया है। मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकल सवाल, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है, मगर एज ऑफ नाउ ये हुकूमत का ये फैसला है, इसको थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हिकमत भी है कि आप एक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के ही मेडिकल को जाना, मैं समझता हूँ आज के मौजूदा हालात के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, और एक सवाल यह है कि राशन कार्ड से क्या पूरे गरीब ज़रूरतमंद लोगों को क्या पूरी सहूलतें मुहैया कराई जा रही हैं? मैंने कहा राशन कार्ड के अंदर तकसीम किए गए हैं, एक शख्स को 10 किलो चावल और गेहूँ, ये काफ़ी नहीं है, ये नाकाफ़ी है, इसके साथ तेल देना चाहिए, आप जो है दाल देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड करना चाहिए। उस ज़िमन में हुकूमत सोच नहीं रही है, सोचने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा
धोखा जो है हुकूमत जो है गरीबों के साथ यहाँ पर कर रही है राशन के डिस्ट्रीब्यूशन के तहत। जहाँ पर एक तरफ वो स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर फूड ग्रेन्स की कमी नहीं है, भूखमरी नहीं हो सकती, वी आर प्रिपेयर्ड, अगर जब कह रहे हैं तो आवाम तक, गरीबों तक खाने के जो चीज़ें हैं उन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है, अगर इस चीज़ के अंदर बहुत बड़ा लैप्स हुकूमत हुआ। बिल्कुल जैदी साहब नाम से आईडी से जो सवाल ये आया है आपके लिए खासकर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो गुलबर्गा मुस्लिम चौक पर विजिट कर रहे थे, आप और दीगर वहाँ पर पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर भी मौजूद थे, आपकी तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा उनके साथ गुफ्तगू हुई, क्या वहाँ पर वो मकसद लेकर आए थे, क्या आप लोगों से उनकी बातचीत हुई? प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो गुलबर्गा के इंचार्ज भी हैं कोरोना के इस लड़ाई के अंदर, वो गुलबर्गा को विज़िट करने आए थे और मुस्लिम चौक मोमिनपुरा के अंदर जो रेड जोन है, क्वारंटाइन एरिया है, जहाँ पे लॉकडाउन किया गया है, वहाँ पर मीटिंग हुई। हम और हमारे साथी जो गुलबर्गा के असगर चुबुल साहब हैं, मदर खान हैं, अब्दुल रहीम मिर्ची हैं, मैं समझता हूँ इम्तियाज़ सिद्दीकी भी वहाँ पे थे, चार पाँच लोग वहाँ पे थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि हम आप हमें 5 मिनट का वक्त दीजिए ताकि हम इस कोरोना के इशू पर हम अपना एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाहते हैं। मगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही पॉजिटिवली उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आपकी तमाम चीज़ों को सुनने के लिए तैयार हूँ, आप यहीं पर बात कर सकते हैं जी। तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ को हमने फेस किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमने बात रखी। जो कोरोना के ताल्लुक से जो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर गुलबर्गा के अंदर जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स जो हो रहे हैं, जो उनको घर से लेकर के हॉस्पिटल को जो लेके जाया जा रहा है, एक बिल्कुल एक माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है कि जैसे एक शख्स को जो है जंग के लिए भेज रहे हैं और वो शहीद होके आएगा, एक खौफ का माहौल, घर के अंदर औरतें रो रही हैं, ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अवाम के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जो कोरोना का ट्रीटमेंट है, जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जेन्युइन ट्रीटमेंट हो रहा है और फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं, इसका एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बारे में हमने बात की, हमने दीगर इश्यूज जैसे कि ESI हॉस्पिटल और जिम्स हॉस्पिटल के अंदर दोनों तरफ अलग अलग पेशेंट्स रखे हैं, बिल्कुल एक जगह पॉजिटिव केसेस को रखें और दूसरी तरफ सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को रखें, इसके ताल्लुक से हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने बात की। उसके ताल्लुक से उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव डिसीजन उन्होंने सुनाया कि हाँ हमने फैसला किया है कि ऐसे हॉस्पिटल में पॉजिटिव केसेस को रखेंगे और जिम्स के अंदर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को, दूसरे कॉन्टैक्ट्स को। हमने ये पेशकश की कि बहुत सारे लॉजिस्ट को आपने गवर्नमेंट ने ले लिया है, वहाँ पर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को अगर रखते हैं तो एक पॉजिटिव मैसेज वहाँ पर क्रिएट हो सकता है, वहाँ पर लोग आसानी से आ सकते हैं। और जो उसके ताल्लुक से उन्होंने भी उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव जवाब दिया, और खाने के ताल्लुक से खाना लोगों को जो ESI हॉस्पिटल्स के अंदर जो जहाँ पे क्वारंटाइन कर रहे हैं, जहाँ पेशेंट्स को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे खाना नहीं दिया जा रहा, ये कंप्लेंट्स पब्लिक के अंदर आवाम के बीच में आ रही है। और एक फैसला वहाँ पे लिया गया, उन्होंने कहा कि घर से जो है पेशेंट अपने घर से खाना मंगवा सकता है, वो इतना हमने दी, हमने कहा कि इस फैसले को हम वेलकम करते हैं, मगर साथ ही साथ हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, प्राइमरी हो या सेकेंडरी पॉजिटिव केसेस हो या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हो, उनको भी खाने का इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने वहाँ पे हमको एश्योर किया कि वहाँ पर हर हॉस्पिटल के अंदर हम एक डाइट चार्ट हॉस्पिटल के बोर्ड पे लगाएंगे और सिस्टमेटिकली मॉर्निंग क्या दिया जाएगा, दोपहर में क्या दिया जाएगा, क्योंकि हमने उनको प्रेजेंट किया कि इस लड़ाई के अंदर, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, इसके अंदर सिर्फ एक ही ज़रिया है कि वो आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, और उस इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का ज़रिया अच्छा खाना है, प्रोटीन्स है उसके लिए। तो उन्होंने उस चीज़ के बारे में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और बहुत सारे इश्यूज़ के ताल्लुक से वहाँ पर हमारे असगर चुलबुल साहब ने, मदर आलम खान साहब ने, हमारे रहीम जी साहब ने भी बहुत सारे 20 मिनट का, मैं समझता हूँ कि तमाम इश्यूज़ के ताल्लुक से यहाँ पर बात करना मौजूद नहीं है, इसके ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि हमारे दीगर साथी जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों को ब्रीफ भी दिया है, पेपर पे भी उसको दिया है, तो मैं समझता हूँ कि आवाम को इस चालक से काफ़ी इतला है। बिल्कुल कुछ दिन पहले वही मुस्लिम चौक पर
डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के साथ कई बीजेपी के लीडर्स वहाँ पर विजिट किए थे। उस वक्त हमने देखा है कि वहाँ पर एक कुछ प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था, कुछ वहाँ पर ज़रूरी बातचीत होने वाली थी। कुछ वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर आने के बाद जब इंचार्ज मिनिस्टर के साथ जो गुफ्तगु हुई, उस वक्त सिर्फ मज़हर आलम खान को बात करते हुए लोगों ने देखा है। दीगर लीडर जो थे जैसे नासिर हुसैन उस्ताद और असगर चुलबुल और इलियास सेठ और दीगर जो लीडर वहाँ पर मौजूद थे, वो लोग सब तमाम लोग खामोश क्यों खड़े थे? सिर्फ मज़हर आलम खान ने ही क्यों आवाज़ वहाँ पर उठाई लोगों के ताल्लुक से? ये सवाल मोहम्मद गौस के तरफ से किया गया है। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के उस विजिट के बाद दूसरे दिन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पीडब्ल्यू मिनिस्टर मिस्टर गोविंद कारजोल साहब मुस्लिम चौक पर उसी एरिया के अंदर विजिट के लिए आए थे। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे कॉल आया कि क्वारंटाइन एरिया को विजिट कर रहे हैं, वहाँ पर एक मीटिंग लेना चाहते हैं और लोकल इश्यूज़ के ताल्लुक से वहाँ पर डिस्कस करने के लिए उन्होंने मुझे दावत दी कि आप वहाँ पर इस फलाना 2 बजे के टाइम आप पहुँच जाइए। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी था, तो और एक मुझे कॉल आया, शायद देर हो सकती है, मैं आपको कॉल करूँगा, उसके बाद आप निकलिए। तो उसके बाद में कॉल आया और हम इमीडिएटली वहाँ पर मुस्लिम चौक पे पहुँचे। जब तक हम वहाँ पर पहुँचे, जब तक ये जो वाक़या है, जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के लाइव विटनेस हम नहीं, हमने नहीं देखा, हमने सुना कि इस तरह से मज़हर खान ने सवाल पूछा तो और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर नाराज होकर चले गए। हमारे वहाँ पर पहुँचना और उनका चले जाना इत्तेफाक हुआ है, हम वहाँ पर नहीं थे। इसमें साफ तौर पर मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो जब गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, जब मैं वहाँ पर, क्योंकि 25-30 गाड़ियों का कारवां था, जब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर वहाँ पर आए तो 25-30 गाड़ियाँ जो है उनके साथ थी, डिस्ट्रिक्ट का तमाम ऑफिशियल्स के, MLAs के, MLCs के, लास्ट के वहाँ तक मैं मुझे चलते जाना पड़ा, चलते जाए जब तक मैं वहाँ तक पहुँच रहा था, जब तक वो लोग निकल गए। तो वहाँ पर इसीलिए गौस साहब की ख्वाहिश शायद होगी कि तमाम लीडर्स भी वहाँ पर, ऐसा नहीं था, हम वहाँ पर नहीं थे। ये डिसीजन एक्सटेम्पो, क्योंकि इंसिडेंट के बाद हम भी सोशल मीडिया में देखे कि क्या वाक़या हुआ, किस तरह से हुआ, उसके बाद में मुझे भी उसका इल्म, कहीं ना कहीं जिस तरह से वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है या वह जिस तरह से वो वापस लौट के गए हैं, इससे गुलबर्गा नॉर्थ के लोगों को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो सकता है। जिस तरह से वहाँ पर जो माहौल देखने को मिला था, कुछ डिसीजन, अहम डिसीजन वहाँ पर लेने की जो सोच लेकर वहाँ पर इंचार्ज मिनिस्टर आए थे, ऐसा लोगों का कहना है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स मुस्लिम माहौलों में आकर के वहाँ पर बैठ करके मीटिंग करें, वहाँ के लोगों के ओपिनियन लेना, इस पॉजिटिव माइंडसेट को अगर जब वो लेके आए हैं, तो हम लोग भी बहुत उम्मीद में थे कि हम उनके साथ सवाल जवाब करें, ताकि कौम के लिए, ताकि गुलबर्गा शहर के लिए, ताकि इस लड़ाई के अंदर हमको बेनिफिट मिले। तो इस इंटेंशन के साथ हम वहाँ पर गए थे, क्योंकि एक दिन पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने भी हमने बहुत सारे इश्यूज़ को हमने रखा था, क्योंकि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, PWD के मिनिस्टर्स भी थे, यहाँ पर हमने काफ़ी तैयारी कर कि भाई किन किन मुद्दों पर हमें उनसे बात करनी है। ये सवाल जो इन्होंने पूछा है कि कौम का नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, ये अलग बात है, इफ्स एंड बट्स की कोई गुंजाइश नहीं, शायद हो सकता था, शायद नहीं हो सकता था, मगर ये वाकया हो गया। एक सवाल मज़हर आलम खान ने किया, उसको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये तरीका अच्छा था, ख़राब था, कब करना था, बाद में करना था, मीटिंग शुरू होने के बाद में भी इस बात को रख सकते थे, ये बहस अब करने का कोई मतलब नहीं, इसके ताल्लुक से कोई डिस्कशन मैं समझता हूँ मौजू नहीं है। यहाँ पर मौजू इतना है कि इश्यूज़ बहुत हैं और इस कोरोना की लड़ाई के अंदर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, इसको भी कम्युनलाइज किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ के अंदर, और गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो सवाल हमारे मज़हर खान साहब ने उठाया कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर यहाँ पर नहीं है, बहुत ही मौजूद सवाल है, इस सवाल को मैंने भी आपके चैनल में बहुत बार उठाया है, मैंने भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जो है गुलबर्गा के ताल्लुक से बहुत ही नज़रअंदाज कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं।
आना चाहिए, जो सीरियसनेस बताना चाहिए। मगर एक बात हकीकत है कि गुलबर्गा गोविंद कारजोड़ दो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर गुलबर्गा में नेग्लिजेंट है। मगर यहाँ पर जो सवाल उठाया गया, मैंने उस टाइम में भी एक बैठ दिया कि आवाम को ये पूछना चाहिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिम्मेदारों को उठ करके सवाल उठने का ये जो तरीका है कि आप कहाँ थे। जब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को जब सवाल उठाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को सवाल उठाया गया, एक तरफ हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के MLA वो यहाँ पर गुलबर्गा में मौजूद नहीं थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के विजिट को वो गुलबर्गा आए, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जब विजिट कर रहा है तो जब उनके साथ आ रहे हैं, उन्हीं के मीटिंग्स में अटेंड कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने इससे पहले का जो इंटरव्यू हमारे इलियास बागवान साहब के मकान में लिया, वहाँ पर इलियास बागवान साहब ने, जो कांग्रेस के लीडर, उन्होंने आपके चैनल में कहा कि उनको जिम्मेदारी लेना होगा। अब्दुल रहीम मिर्ची, उन्होंने कहा बिल्कुल, कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर गुलबर्गा नॉर्थ MLA यहाँ पर ऐसे मौके पर एब्सेंट हैं, इसके ताल्लुक से आवाज़ उठानी चाहिए। आप एक तरफ लोकल MLA जिसको अवाम ने वोट दे करके चुन के भेजा है वो एब्सेंट रहते हैं और खामोश आप बैठते हैं, और एक शख्स और एक सियासी जमात का लीडर जो मुसलमानों के खिलाफ साफ दुश्मन है, खुला दुश्मन है BJP, मुसलमानों के वोट में नहीं मांगते, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि मुसलमानों के वोट आए। उनकी सियासत मुसलमानों के खिलाफ बात करना और दूसरे कम्युनिटीज को यूनाइट करना, ये एक सिंपल क्लियर फल। जब उनको सवाल आप करते हैं तो इनको भी सवाल, ये मैंने कहा कि आप का स्टैंड है कि आप सवाल पूछने की हिम्मत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इनको भी सवाल कीजिए। आपका सवाल पूछना एक तरफा नहीं, आज एक माहौल बनाया जा रहा है, मैं देखा कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जाकर के पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है मदर खान ने बहुत अच्छा काम किया है। मदर खान का काम उस टाइम बहुत अच्छा होगा, उस टाइम अवाम के लिए होगा, जब वो मैडम के बारे में भी सवाल पूछेंगे कि मैडम कहाँ है, मैडम क्यों नहीं आ रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ जब वो खड़े थे 20 मिनट होते, उन्होंने किसी सवाल नहीं उठाया। एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के अंदर एक बैठ सिर्फ और सिर्फ वो दे रहे हैं कि मास्क यहाँ पर कम क्यों हैं, मास्क के ताल्लुक से एक सवाल पूछते हैं। ये ड्यूअल पॉलिटिक्स जो है ना, ये बड़ी तकलीफ दे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने केडर को इंटैक्ट नहीं रख पा रही, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्या सियासत करना चाह रही है, ये आवाम के बीच में सवाल। कांग्रेस पार्टी के एक लीडर मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं हिम्मत करके, दूसरे लीडर्स वो मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रुक जाइए, क्लियर है यार। ये मदर आलम खान का इंफरादी स्टैंड था, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस मदर आलम खान के स्टैंड के साथ है? कांग्रेस अगर उसके साथ है तो कांग्रेस के MLAs को ये सवाल क्यों नहीं होता कि आप मोमिनपुरा में क्यों नहीं गए, कितने विजिट्स हुए हैं मैडम, कितने विजिट, ये भी होना चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के आप उमेश यादव को भी पूछिए, पूछ रहे हैं लोग, उमेश यादव फिर रहा है साउथ के अंदर, एक भी केस नहीं है उसके बावजूद। मैं समझता हूँ कि BJP का MLA काफ़ी वक्त यहाँ पर दिख रहा है, हर मीटिंग में अटेंड कर रहा है, आवाम के बीच में, ये सवाल भी यहाँ पर बहुत ही बहुत मौजू है। ये कांग्रेस अपने लीडर्स को इश्यूज के ऊपर यूनाइट करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा करना, ये कांग्रेस की लीडरशिप की जिम्मेदारी है। एक लीडर गाली देता है, एक लीडर मनाने की कोशिश करता है, एक लीडर अपोज करता है, ये अवाम को गुमराह करने के अलावा कोई इसके अंदर बात नहीं। जिस तरह से अभी आपने नॉर्थ MLA के ताल्लुक से कई बातें कही हैं, उसी को लेकर यहाँ पर सलमान AJ और जाहिद पाशा और दीगर लोगों ने भी वही सवाल किए हैं जिसका आपने अभी जवाब दिया है। मेरा सवाल आपसे यह है नासिर हुसैन उस्ताद साहब, आपने जिस तरह से भी जिक्र किया जनाब इलियास सेठ बागवान साहब MLA मैडम के ताल्लुक से बात करते हैं, अब्दुल रहीम मिर्ची भी कई बार कह चुके हैं कि MLA मैडम नज़र नहीं आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी ज़रूरी है, लेकिन कभी आपको हम लोगों ने नहीं देखा MLA मैडम के ताल्लुक से कुछ बात। MLA मैडम के ताल्लुक से मैं मेरे इलेक्शन के कैंपेन में भी मैंने कभी उनके खिलाफ बात नहीं की, वजह क्या है इसकी? क्योंकि वो सियासी पॉलिटिकल औरत नहीं, बड़ी नेक औरत है, मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की अहलिया है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के हाईकमांड के मुस्लिम लीडरशिप को यहाँ पे ख़त्म किया जाए, डमी कैंडिडेट होना चाहिए, इलेक्टेड कैंडिडेट होना चाहिए, इसलिए वो जाके चले। वो कनीज फातिमा साहिबा ने कभी
ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि कोई एमएलए बनेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कौम की खिदमत करूंगी, मुझे मौका दीजिए। ये डिसीजन उन्होंने तो साफ तौर पे इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं खड़े, आई एम नॉट गोइंग टू कंटेस्ट। बहुत सारे लोगों के सामने उन्होंने कहा था। कांग्रेस के हाईकमांड ने उनके घर पर जाकर उनको तैयार कर उनको टिकट दिया है। उनको जिताने के लिए हमारे जो लोग हैं कांग्रेस के हाईकमांड के डायरेक्शन पर हमारे आवाम ने उनको जिताया, उनकी क्या गलती है? तो फिर आज आपके पॉलिटिकली उनको इन इश्यूज पर एड्रेस करेंगे, इनके पास ये सलाहियत है, ये किसी की उम्मीद भी नहीं है। मैं उनके तरफ से क्यों बात करूँ? बात करना कोई मौजूद नहीं है। तो फिर आज जो गुलबर्गा नॉर्थ के हालात हैं इसका कम से कम अब 2.5 साल हुए हैं इलेक्शन होकर, ऐसे मौके पर कम से कम आपका फिजिकल प्रेजेंस, आप किस नोयत से काम करते हैं, कितने अच्छे अंदाज में काम करते हैं, आपने असेंबली के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, CAA NPR NRC के ताल्लुक से डिबेट के अंदर आपने कितनी मिनट तकरीर दी, आपने बीजेपी के किस लीडर के बयान के खिलाफ आपने अपनी कुर्सी से खड़े होकर बात की। कांग्रेस के दीगर लीडर्स गुलबर्गा की अच्छी बात कर रहे हैं, प्रियंका अच्छा बात कर रहा है, अजय अच्छा बात कर रहा है, कम से कम उनके ताईज में खड़े होना, देखिए लाइव टीवी के अंदर आए, कहीं पर उनसे शिकायत भी नहीं है क्योंकि उनको कन्नड़ा शायद नहीं आती, कन्नड़ा को फॉलो नहीं करते, इशू को फॉलो नहीं करते। और उन्होंने कहीं ये कहा कि मैं आज प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कांग्रेस के कायदीन सो कॉल्ड लीडर्स कांग्रेस के खिलाफ, मैडम के खिलाफ, उनके खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। असगर चुलबुल साहब के घर पे कांग्रेस के लीडर हैं, उनके घर पे जाकर के अटैक करवाए, मारे, उनके खिलाफ केस हुआ। इलियास बागवान साहब सोशल मीडिया के अंदर बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूनिटी कहीं पर भी नहीं है। आज MLA के साथ दो लोग हैं, उनका काम क्या है कि PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास, कॉरपोरेशन कमिश्नर के पास कितने पैसे आना है, कितने पैसे जाना है, इतना ही काम। MLA का काम क्या है गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर, इतना ही काम जो मैडम को सिखाया गया और मैडम को सामने रखकर ये लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आवाम काफी समझदार है ये कौन लोग हैं जो गुत्थेदारी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं मैडम को एक जो है मुखौटा के तरह। ये मुखौटा कौम का मुखौटा नहीं, कांग्रेस के हाईकमांड का एक मुखौटा आवाम के बीच में। एक मुस्लिम खातून को हमने टिकट दिया, मुस्लिम को जिताया, हमने पैसा खर्च किया, हमने कौम को इत्तेहाद बनाया और हमने इसको जिताया ये बताने के लिए। मगर अफसोस है आज मौजूदा सियासी हालात में मुल्क भर में आए दिन मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही, आए दिन मुसलमानों के खिलाफ मीडिया जो है उंगली उठाता है, ऐसे हालात में क्या ऐसी खयादत जो कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड चुनती है, कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड को ऐसे ही लोग क्यों पसंद आते हैं? कहीं पर भी मुसलमानों को जिसकी आवाज है, जिसकी आवाज बुलंद है, जो इंडिपेंडेंट सोच रखता है, उसको कभी कांग्रेस पार्टी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का ये जो है इल्जाम कांग्रेस पार्टी पे आता है। और आज कांग्रेस पार्टी उसी का भुगत रही है, आज उनकी जो हालत हुई है कांग्रेस पार्टी उसी की सजा भुगत रही है। उनको लीडर्स बनाने का नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ डमी माइनॉरिटीज के अंदर, मुसलमानों के अंदर पैसे वाला होना चाहिए, सियासी सोच नहीं होना चाहिए, सिवा सियासी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को कैंडिडेट्स बनाते हैं, सिंपति के नाम पर जिता के लाओ, यूनाइट करो और इलेक्शन के बाद छोड़ दो। इलेक्शन के बाद कहाँ है उनका इंटरफेरेंस, कहाँ है वो मार्केट के वो बिजनेसमैन जो बाहर आकर के इलेक्शन के अंदर वोट मांगते हैं, कहाँ थे वो CAA NPR के अंदर जब सेक्शन 144 लगा करके नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है, कहाँ थे वो मार्केट के वो ताजिर, वो उलमा जो इलेक्शन में आते हैं और पानी का मसला है, कहाँ पे खड़े हैं वो? इलेक्शन में आना, कांग्रेस के हाईकमांड के डायरेक्शन पे ले काम करना और खामोश बैठना, ये सियासत। मैडम लीडर नहीं है, इसीलिए मैं मैडम के खिलाफ कभी बात नहीं किया हूँ। और ये आखिरी बार मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप, क्योंकि आपके अलावा मैं किसी दूसरे चैनल को आके मेरा इंटरव्यू भी नहीं लेता, तो उनके ताल्लुक से सवाल मुझसे मत पूछिए। वो बहुत ही नेक औरत है, बहुत ही अच्छी औरत है, उनके अखलाक बड़े अच्छे हैं, उनके किरदार बड़े अच्छे हैं, मगर वो सियासी नहीं है, पॉलिटिकल लीडर नहीं है।
मरहूम खमरुल इस्लाम साहब की ऐनी है, कौम इज्जत करती है, हम भी एहतराम करते हैं, मगर सियासी तौर पर उनका कोई मुकाम गुलबर्गा के अंदर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोकल लीडरशिप के कठपुतली हैं। साफ तौर पर कह रहा हूँ, उन पर इल्ज़ाम लगाना ये हमारी कौम की कमजोरी होगी, मेरी कमजोरी होगी अगर मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ। मुझे अगर इल्ज़ाम लगाना है तो कांग्रेस के लीडरशिप के ऊपर, मुझे अगर शिकायत करना है तो ये लोगों से शिकायत करना है जो आइन इलेक्शन में बाहर निकल करके इत्तेहाद का नारा देते हैं, बीजेपी का खौफ बताते हैं, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, और ऐसी क़यादत को चुन के लाते हैं जिसके तरफ से पूरी कौम जो है, ये सिर्फ गुलबर्गा में नहीं है, ये सिर्फ गुलबर्गा का एक ही मामला नहीं है, हर तरफ कांग्रेस के अंदर जो सीट्स देते हैं, हैदराबाद कर्नाटक के अंदर मामला ले लीजिए आप, ये एंटायर प्रोसेस ही ऐसा है। बीजापुर में ले लीजिए, बीदर में ले लीजिए, रायचूर में ले लीजिए, बेल्लारी में ले लीजिए, वो बहुत गिने चुने किस्मत वाले लोग हैं जो दूसरी पार्टी में अपना मुकाम बना के कांग्रेस में आके टिकट लिए हैं और जीते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने पूरे कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत अहम बातें कही हैं, मैं लेकिन इसको लेकर मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आपने बताया जो मार्केट के जो ताजिर हैं, उलमा इकराम हैं और दीगर जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं जो इलेक्शन में आकर फलां कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं और लोग भी कहीं ना कहीं वोटर्स भी इसके ज़िम्मेदार हैं कि वो लोग तहकीक नहीं करते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कई लोग ऐसे हैं जो लोग कन्फ्यूज़न में किसी एक पार्टी को चुनते हैं, जिस तरह से इलेक्शन में देखा जाता है कि 10 12 15 कैंडिडेट उठकर आकर मैं इलेक्शन में एमएलए बनने के लिए ख्वाहिश करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ होकर वो डिवाइड ना हो इसलिए कैंडिडेट को चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जैसे जो लीडर एक से ज़्यादा जो खड़े होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं ना इस चीज़ के। नहीं, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, इलेक्शन के अंदर जीत और हार ये दो पहलू हैं, शिकस्त हार होना हार नहीं है, ये जमहूरियत है। शिकस्त होना इसका मानी ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हैं, हार होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफिशिएंट नहीं हैं, आप में सलाहियत नहीं है, आप में सियासी सोच नहीं है, आप में जज्बा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। जमहूरियत के अंदर बहुत सारे फैसले आखिरी मोमेंट में लिए जाते हैं। मेरा कहना इतना है, मेरा मानना इतना है कि आप बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, आप ऐसे कैंडिडेट को साथ दीजिए, ऐसे कैंडिडेट के लिए आप खड़े हुई ये जो सियासत में अपने आप को आइडेंटिफाई कर चुका हो, अपने आप को एक पॉलिटिशियन की हैसियत से, अपने आप को एक सोशल वर्कर की हैसियत से, अपने आप को आपकी खिदमत करने के लिए, आपके इश्यूज़ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने ऐसे लोगों के लिए आप खड़े हो जाइए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और। आप घर में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है उनको आप लाके खड़ा करते हैं और आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, और इलेक्शन के बाद आप कभी कोई इशू के अंदर आप नहीं आते, आप कोई मसले के अंदर आप वो कांग्रेस के हाईकमांड बस क्यों नहीं जाते, पीने का पानी का मसला है नहीं है, बिल्कुल रोड के क्या हालात है, रिंग रोड का क्या है, आप रिंग रोड आप फिर रहे हैं, एमएस की कोई जिम्मेदार नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं है, आए दिन हरासमेंट हो रहा है, आए दिन यहाँ पर लीडरशिप खत्म हो रही है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं, ये लोग खामोश क्यों बैठते हैं, इलेक्शन के अंदर ही बाहर निकलने का क्या है, जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए आप, आपका जज्बा होगा, अगर आपके पास जज्बा है, आप ताजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इज्जत है, आपके जज्बे को सलाम है, मगर वक्तिया जज्बा मत बताइए, पूरे 5 साल आप बाहर निकलिए, हर मसले में बाहर निकलिए, उसके बाद पूरी कौम आपको सजदा करेगी, सलाम करेगी। इलेक्शन में कोई आपको डायरेक्शन देगा बाहर निकल करके, आप अपना काम करके बाद में अरे गलती हो गई बल्कि 3 महीने में बोलते हैं आप, 5 साल कौन भुगतना आपकी गलती को, बहुत बड़ी गलती हो गई, फैसला हमारा गलत हो गया, फैसला आपका गलत हुआ, कौन हालत आए दिन तकलीफ से रूबरू हम लोगों को होना पड़ेगा। जिस तरह से अभी आप पानी और लाइट के जो मसलों पे बात कर रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ कई सालों से गुलबर्गा की आवाम को भुगतना पड़ रहा है कि लाइट का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है बहुत ज़रूरी हो गया कि तमाम लोग घरों में बैठे हैं तो घरों में उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो इस खासकर रमज़ान के महीने में आप देख सकते हैं। अभी एक कमेंट भी यहाँ पर आया कि जब रेड जोन बताया जा रहा है एरियाज़ को, वहाँ पर खासकर मोमिनपुरा में लाइट का प्रॉब्लम काफ़ी चल रहा है कि कई घंटों तक वहाँ पर लाइट निकाल रहे हैं, गर्मी का मौसम है, तो इस कहीं ना कहीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ये जिम्मेदारी है कि वो वाटर बोर्ड वालों से और दीगर लोगों से बात करके, मीटिंग करके इन तमाम मसलों पर बात करें। ये एक ही मसला नहीं है,
मैं आपको बता रहा हूँ, आप फिर आपका ये सवाल फिर मुझे लोकल एमएलए की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसे, इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। क़यादत जिसके पास है, जिसकी जिम्मेदारी है, उसको यहाँ पर बैठना होगा, यहाँ को ऑफिशियल्स को टाइट करना होगा। मैं फराजुल इस्लाम को भेजती हूँ, मैं आदिल को भेजती हूँ, मैं उनको भेजती हूँ, उनको वोट नहीं डाले आवाम ने। फराजुल इस्लाम एमएलए नहीं है, आदिल एमएलए नहीं है, कोई दूसरा कांग्रेस का वर्कर एमएलए नहीं है। एमएलए बैठ करके ऑफिशियल्स को बुलाना, मीटिंग्स लेना, इस्तेदारी फैसले करना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या हाल है? क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं है। आपके सोशल मीडिया के अंदर मैं शुक्रगुजार हूँ एक दो चैनल्स के जी, जो आप इश्यूज उठाते हैं, उसके बाद में उसके जवाब में दूसरे चैनल्स वाले उनको फिर बाहर लाते हैं। ये हालत हो गई। आपको एमएलए को ऑपरेट करने का जो जरिया है वो आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हो गए। दो चैनल्स पॉजिटिव, दो चैनल्स नेगेटिव। आप नेगेटिव डालने के बाद फिर उन्होंने आके दूसरे चैनल्स में जवाब देते हैं कि मैंने ये काम की, मैंने वो काम की, ये हाईकमांड की कठपुतली की तरह काम करना। इंडिपेंडेंट सोच होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इश्यूज को हैंडल करना चाहिए, इंडिपेंडेंट तकलीफ को समझना चाहिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन को मैं समझता हूँ ऑलरेडी मैं एड्रेस कर चुका। आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लॉकडाउन में लोग कई सवाल रमज़ान के महीने को लेकर उठा रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जिस तरह से ताजिर कारोबार को लेकर इशूज सवाल उठा रहे हैं रमज़ान के महीने में, लोग कई गरीब ऐसे हैं जिसके पास पैसा नहीं है, वो लोग खाने पीने को चीज़ों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों? ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है। कई दिन पहले हमारे पीपल्स फोरम के ज़िम्मेदारों ने, हम लोगों ने मीटिंग की, जिसमें असगर चुलबुल साहब, बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब, मज़र एडवोकेट साहब, डॉक्टर इरफान साहब, आरिफ मनियार साहब, इलियास बागवान साहब, एडवोकेट वाहद बाबा साहब, हम तमाम लोगों ने इस तालुक से हमने डिस्कस किया, और हमारी तमाम लोगों की ये राय थी कि गुलबर्गा शहर के अंदर इस रमज़ान के इस मुबारक ईद को हम आवाम से अपील करते हैं। और मैं अपने इंफरादी तौर पर मैं अपील करना चाहता हूँ आपके गुलबर्गा हेडलाइंस के ज़रिए कि ये ऐसा मौका है जहाँ पर हमारी मस्जिदें आबाद नहीं हैं, हम लोग मस्जिद में जाकर के अपनी इबादतों को नहीं कर सकते, गरीब लोग 50 दिन से उनके ज़रियाए माश बंद हो गया है, उनके रोज़गार बंद हो गया है, उनके पास कोई खाने के लिए पैसे नहीं है, और ऐसे मौके पर हम लोग ईद मनाने की सोच रहे हैं, नए कपड़े खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम लोगों ने फैसला किया। मैं अपने जानिब से मैं गुलबर्गा के अवाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस बार ईद के कपड़े आप ना खरीदें, आप ईद जो आपके पास पुराने कपड़े हैं उसी कपड़े को लेकर के आप नमाज की अदाई करें, आपका जो पैसा है वो पैसा आप गरीबों के अंदर तकसीम करें। इससे हमारी कोरोना के खिलाफ की लड़ाई के अंदर हमको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप घर के बाहर नहीं जाओगे, मार्केट को कपड़ों की दुकानों से ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी, कोरोना की खिलाफ लड़ाई के अंदर भी हमारी कामयाबी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब ये कपड़ों का डिसीजन होगा, ये जो गोदी मीडिया है जो मुसलमानों के खिलाफ है, ये इसी को इश्यू बना करके टीवी के अंदर हाईलाइट करेगा, और हमारी कौम को बदनाम करने का, रुसवा करने का काम गोदी मीडिया करने वाली है। ये मैं आपसे अपील करता हूँ कि हमको वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही एहसास के साथ, हमारे मस्जिदें आबाद नहीं है, हमको ईद मनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुल्क कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, हमको उसमें साथ देना है, हमको उस
कि आगे बढ़ना है एज ए कम्युनिटी मुसलमान की हैसियत से। हम तमाम लीडर्स ने फैसला किया है, हम अपील कर रहे हैं, मैं मुसलमान की हैसियत से अपील कर रहा हूँ कि हम लोग इस बार नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, मार्केट को हमारे माओं बहनों को नहीं भेजेंगे, ताकि जो है गरीबों को वो एहसास ना हो कि वो कपड़े खरीद नहीं सकता। हमारे जज्बात तमाम लोगों के साथ जुड़ने चाहिए। यहाँ पर ये अहम रिक्वेस्ट में गुलबर्गा हेडलाइंस और गुलबर्गा मिरर के आपके तमाम व्यूअर्स को मैं यहाँ से कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर, जिस तरह से एक अहम सवाल मैं ख़ुद से आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ आपके ज़रिए और दीगर भी जो मुस्लिम लीडर हैं गुलबर्गा शहर से, काफ़ी बार लोगों की तरफ से भी ये सवाल आए हैं कि जितने भी गुलबर्गा शहर में मुस्लिम लीडर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ के ताल्लुक से ही बात करते हैं, गुलबर्गा साउथ में भी कई लोगों को परेशानी हो रही है, वहाँ के ताल्लुक से कभी कोई लीडर बात नहीं करता, इसके ताल्लुक से क्या? मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा नॉर्थ साउथ कोई अलग चीज़ नहीं है, गुलबर्गा नॉर्थ साउथ एक ही चीज़ है। गुलबर्गा शहर के ताल्लुक से मैं यहाँ पर जो बात किया हूँ स्टैटिस्टिक्स के मामले में बात किया हूँ, यहाँ पर जो काम हो रहा है गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ के मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़, यहाँ पर जो बस स्टैंड के सामने ये साउथ है बिल्कुल, जो परसों में वाक़ हुआ साउथ के अंदर हुआ है बिल्कुल, गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर नहीं था। यहाँ पर जो रोज़गारों को तकलीफ दी जा रही थी ये इल्ज़ाम है, और हमारी सोच उतनी तंग नहीं है, उतने महदूद हम नहीं है कि हम गुलबर्गा नॉर्थ ऐसे मौके पर गुलबर्गा नॉर्थ सोचने की बात नहीं है। यहाँ पर गुलबर्गा शहर एक यूनिट है, एक यूनिट की हैसियत से हम बात कर रहे हैं। अगर किसी की सोच अगर वो है तो बहुत ज़्यादा सियासी है, मैं समझता हूँ कि मेरे दिमाग में तो और दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर हुसैन उस्ताद इतना आपका कीमती वक्त देकर अहम मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए, और मैं साथ ही साथ व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी देर हम लाइव जुड़कर तमाम डिस्कस को यहाँ पर सुनने के लिए और अपने भी जो भी मशवरे थे कमेंट्स के ज़रिए शेयर करने के लिए, और आगे भी अगर कभी मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइव सेशन जब भी हम लोगों का स्टार्ट होगा तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़कर अपने मशवरे रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।